गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज रहे हैं। आज है मंडे और तारीख है 29। हाँ 29, क्योंकि आज से आदित्य के फाइनल एग्ज़ाम शुरू है। सुबह सुबह जो है लाइट ने हमें धोखा दे दिया है। वैसे तो सुबह भी गीज़र चला था, लेकिन आजकल वोल्टेज कम होती है तो गीज़र में भी पानी थोड़ा स्लो ही गर्म हो रहा है। तो सिर्फ उर्वी के लिए गर्म पानी निकल गया था नहाने के लिए, नीरज सुबह नहा के चले गए थे। और वो क्या करते हैं कि खुद नहाते फिर उसका गीज़र बंद कर देते, तो प्रॉपर पानी फिर हमारे लिए गर्म नहीं बचता है। तो यही दिक्कत हुई, लाइट चली गई है और नहाना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ये चढ़ा रखा है पानी का, एक ये चढ़ा रखा है गर्म होने के लिए। तो अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और क्या, थोड़ा सा गीज़र से भी निकला है गर्म पानी, बट जब तक ये पानी गर्म होगा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। उर्वी अभी तक सोई हुई थी, आई थिंक अभी 20-25 मिनट ही सोई होगी, अब उठ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे ट्रैक सूट पहना है क्योंकि सर्दियाँ हो गई है। तो इसी तरीके के ट्रैक सूट अगर आप ही लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं ट्रैक सूट ही, विंटर की कुर्तीज़ वगैरह, स्वेटर, कार्डिगन, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, वहाँ से आप जो है बुलबुल ऐप का ऑप्शन आपको खुलेगा, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बुलबुल ऐप। तो मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिए। और सर्दियाँ जो है ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, हर जगह ही अब शुरू हो गई है, तो विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत सभी को होती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए लग जाते हैं काम पर। और ये देखो पानी भी गर्म हो ही जाएगा जब तक मैं, झाड़ू हो गया है, किचन मेरा क्लीन है, ये देख सकते हो आप, बर्तन वर्तन सब धुले हैं। ये सब्जी मैंने ली थी, उसको मैंने जो है वॉश करके इस तरीके से इसी परात में रख दिया है, जब भी ये बनानी होगी। प्याज लेके आए थे, वो मैंने पैकेट में से निकाल के भी यहाँ रख दिया है, इसको भी मैं रखूँगी अभी जो प्याज वाली टोकरी है उसमें। तो ये काम भी धीरे धीरे चलते रहेंगे, साथ ही साथ और काम भी होते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जितनी देर में पानी का दूसरा पतीला गर्म हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ये जो बेड है इसको भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि एक तो ये जो रज़ाई है उस दिन से लेके निकली है जब सुमन वगैरह आए थे, तो इसको भी बेड बॉक्स में डालना है, लेकिन धूप वगैरह लगाने के बाद। लेकिन अभी 4-5 दिन ऐसे हो गए कि प्रॉपर जो धूप है ना अच्छे से वो निकल नहीं रही है, ऐसे हल्की फुल्की सी धूप निकल रही है। तो वो वाला मज़ा जो होता है ना बिस्तरों को सुखाने का, प्रॉपर की सूख जाए एकदम करारे करारे से हो जाए, तो वो अभी आजकल नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये रज़ाई अभी बाहर ही पड़ी है। और बेडशीट में कुछ ज़्यादा झंझट नहीं था करने का, ये सेट ही थी वैसे, बस इसको थोड़ा सा सीधा करना था एक दो साइड से। बाकी जो रज़ाई है इसको मैं तय लगा के रख दूँगी, वैसे तय तो नहीं लगाऊंगी, नॉर्मल बिस्तर पे, क्योंकि बच्चे कभी भी जैसे आदित होता है उसको बिस्तर में बैठना होता है तो फिर पूरी तय वो नहीं खोलता है, तो फिर ऐसे ही पूरी रज़ाई लेके मतलब जैसे तय लगी होती वैसे ही बैठ जाता है। तो फिर मैं इसी तरीके से 2 फोल्ड लगा के रख देती हूँ ताकि वो खींच के आराम से रज़ाई को फिर बैठ सके। और इसकी बुक्स वगैरह ये तो परमानेंट ही है कि बेड पर ही पड़ी रहेगी। भैया ने संभाला है ना। तो मैं नहा के फ्री हो गई, एक मुझे वीडियो शूट करनी थी वो भी कर ली, और उर्वी को इतनी देर आदित्य ने संभाला। तो बेटू मैं इसको धूप में लेके जाती हूँ ना, आप थोड़ा सा अपना पेंट कर लो, पेंटिंग कर लो, फिर मैं लाइट आ जाएगी तब आपको नहलाती हूँ, अगर नहीं आएगी तो फिर गैस पर गर्म करके नहला दूंगी, ठीक? ओके चलो फिर। तो चलिए धूप से के आते हैं, बाल सुखा के आते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठना भी ज़रूरी है। तो दोपहर के 12:50 हो गए, यानी कि 1 बजने वाला है, और बहुत तेज़ भूख लगी थी। हालांकि ब्रेकफास्ट किया था, बट आज ब्रेकफास्ट करा नीरज के साथ साथ ही हो गया था, सुबह 9 बजे तो जल्दी भूख लग गई थी। तो मैंने, इसने बोला कि मैं शिमला मिर्च वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा, तो इसके लिए बना था, इसके लिए क्या, इसको भी मैंने ब्रेड जैम दिया था, अपने लिए भी मैंने ब्रेड जैम खाया। और ये देखो कल के लिए मेरा जो सूट है वो बनके हो गया है रेडी। यही सूट मैंने आपको दिखाए थे ना, तो मैंने अपने लिए ये वाला सूट रखा था। तो ये मेरा जो है आंटी ने सिल के दे दिया था, इसकी जो है तह ना मैंने फिर ऐसे ही रखा कि पहनना तो है ही कल। तो ये देखो ये मेरा ऐसे गले वाला था, मम्मी के गले में बीच में से ऐसे कुछ पट्टी टाइप है, तो मेरा ऐसे गले वाला है ये देखो। और इसके साथ मैंने सिंपल जो सलवार होती है वो सिलवाई है, क्योंकि
मुझे प्लाजो वगैरह उतने पर्सनली पसंद नहीं है। तो ये रही इसकी सलवार जिसके पोंचे ये इस तरीके से बने हैं। ये देखो पूरा सूट तो फिर मैं कल ही दिखाऊंगी आपको पहन के। और अब मैं जा रही हूँ बाल कंघी करने के लिए क्योंकि बाल मेरे सूख गए हैं। सुखाने भी मैं धूप में ही गई थी लेकिन ये कंघी नहीं किए मैंने। नो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो उरु नो उर्वी लो आ जाओ। ये मांगा था मैंने क्या ब्रेड थोड़ी ना दिए मैंने बस। उर्वी इधर आओ आ जाओ। देखो भैया हमारे लिए ब्रेड जैम लेके आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उठाना तू इसको गोद में। चलो अरुण उधर चली। तो शाम के हो गए हैं 8:22। ओए देखना खड़ी है खड़ी है इतने। अरे अच्छा ले तू ही कर ले बात। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उठे खाना बनाए ना बनाए क्या करें। मुनीम जी मुन्नी भी जीने नहीं देती। मुनीम जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हम? हाँ। क्या करें कह नहीं पाते। क्या बताएं भैया नहीं खाते हैं। सॉरी मुंह से निकल गया। ऐसा लग रहा है वे पड़े रहो पड़े हुए और कर गए। अगर संडे होता तो पड़े रहते ना संडे को तो आप बेटा संडे छोड़ पेट नहीं होता तो हिलना ही नहीं था। हाँ यार है ना पापी पेट का सवाल। अगर पेट नहीं होता तो तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं थी साला। हम ही दो सोए रहते आराम से। पापा अब ये चीज हर रोज बोलते हो रात हर रात को बोलते हो पर आप संडे को सोते नहीं हो पूरा दिन। तेरी मम्मा सोने नहीं देती बेटा मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन पूरी रात सोए। मम्मा पापा से क्या काम कराती है। देखो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आदू अब बताना मैंने संडे को क्या क्या किया था बता। इस संडे को क्या क्या किया नहीं मम्मा ने पापा को क्या बोला करने के लिए। देखो मेन्यू को लेट नहीं करना है ठीक है। नहीं नहीं डोंट मेन्यू को लेट। मम्मी ने कुछ नहीं किया पापा ने अपनी मर्जी से किया है। हां मम्मा ने नहीं बोला ना कुछ भी करने के लिए। हां पापा ने अपनी मर्जी से किया। अच्छा आपकी मम्मा ने ऐसा बोला कि आप रहने दो मैं करती हूं बोला ऐसा? आपने तो अपनी मर्जी से सफाई करना स्टार्ट किया ना। मम्मी कर देती या फिर रोज कौन करता है यादू दिन में? आप रोज खाना कौन बनाता है? आप रोज बर्तन कौन धोता है? बात संडे की हो रही ठीक है। माय लॉर्ड बात सिर्फ संडे की है। अच्छा पापा आपने संडे को पूरा दिन सोए रहते आपने अपनी मर्जी से किया था स्टार्ट क्या सफाई? जुराब घुमा रही थी बैठ गई चुपचाप। ओ ओ बिटू आपको ना जुकाम हो रहा है आप इसके मुंह के सामने ज्यादा वो मत छोड़ो। एक बात बताओ शुरुआत हुई थी कि आलू गोभी गाजर की सब्जी बनाएंगे फिर हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि आज हम आलू गोभी गाजर डाल के सिर्फ खिचड़ी टाइप बना लेंगे हैं। तो थोड़ा देर और चले तो ये भी हो सकता है कि आलू गोभी गाजर जब पेट में मिलना है तो साला ससुर कच्चा ही खा लो उसको सैलेड बनाओ खा लो। कुछ भी हो सकता है सर्दियां हैं सुस्ती के दिन है। देखो ख्वाब तो मुर्ग मुसल्लम से शुरू होते हैं और आखिर में मुसल्ला भी मिल जाए भी बहुत है। मक्खी आप पंजा अटैक पड़ा पंजा अटैक। गुड्डू आदू को कर देती है धुन देती है ना पिट्टू हो जाती है ना। आदू बड़ा भाई है ना आदू से नहीं बोलता आदू बहुत सिंसियर बच्चा है पता नहीं छोटी नहीं सिंसियर बेटा तेरी अंग्रेजी बहुत वीक हो गई कुछ ये स्कूल ना खुले तो तुम्हें हिंदी भी ना रही। सच में यार क्या हालत हो गई है ना स्कूल ना जाने से यादव जो आता भी था वो भी भूल गए हैं।
देखना इसकी अपनी वो चली है कोई टांग खींच रहा है जो मर्जी हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का है, मस्त बाबा रहने का। अरु नाचो आचो नाचो वेरी गुड नाची नाची कर लो नाची कर लो वो सच में इतनी खुशी किस बात की भाई। 9:08 हो गए, खाना बन गया। ऐसी फुर्ती मारी ना मैंने खाना बनाने के लिए, फटाफट से वो खिचड़ी सी बनाई, इनके लिए फुलके बनाए और अब हम खाना खाएंगे बैठ के मजे से। दही में ले आई थी, आदित को नहीं देना है दही क्योंकि आदित आप यहाँ आते हो और चप्पल ले जाते हो, बेटा ऐसा क्यों करते हो आप है? इसको क्या हुआ, नींद लगी है? हटो छोड़ो मेरी, छोड़ो चप्पल मेरी। देख लेती हूँ इसको यार, फिर कर दूँ आप लोगों से बात।